हाय गाइस वंस अगेन वेलकम टू रामायो पॉज बिलिंग एंड ए ट्रेनिंग जोन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेन्यू क्रिएशन मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं कोई भी मेन्यू क्रिएट करने से पहले हमें चार चीज़ों का ध्यान देना है उसका डिपार्टमेंट उसका सुपर डिपार्टमेंट उसकी कैटेगरी उसका मेजरिंग यूनिट और आइटम का नाम आइए मैं आपको एक एक्सल शीट शेयर करता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं इससे पहले हम शुरू करें मुझे मालूम है आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज हैं पहले आप एक बार इसको समझ लीजिए एक्सेल शीट को आपके मैक्सिमम जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे अगर उसके बावजूद भी आपकी कुछ क्वेरी बचती है तो आई एम श्योर जब मैं इस वीडियो में आपको डेमो में ले जा करके ये आइटम्स लाइव बनाना सिखाऊंगा तो आपके मन में कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी देखिए ये एक एक्सेल शीट है जो आपको बताती है कि हमारे पास कुछ सुपर डिपार्टमेंट हैं उनके अंडर डिपार्टमेंट हैं उनके अंडर हमारी आइटम्स होती हैं और हर एक आइटम की कुछ कैटेगरीज होती हैं आइए हम इसको रिवर्स में समझते हैं नीचे से ऊपर की तरफ हम सबको ये तो मालूम है कि आइटम किन्हें बोलते हैं ये आइटम नेम्स हैं जो हमारी पॉज में हम क्रिएट करेंगे कीज़ जिनको हम पंच करेंगे तो जैसे कॉफ़ीज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास ये चार कॉफीज़ हैं कैपीचिन आते मोका एस्प्रेसो कोल्ड कॉफीज़ शेक्स स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच चॉकलेट सेफरन ब्रेड्स में रोटी और नान ग्रेविज़ में दाल मखनी पनीर राजमा सब्जी आइसक्रीम्स में अलग अलग फ्लेवर्स स्वीट्स तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो मैंने आइटम्स लिए हैं ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने कुछ आइटम्स यूज कर रहा हूँ बाकी मुझे मालूम है आपके आइटम्स और आपके लिस्ट बहुत लंबी होगी ये आइटम्स जो है एक कैटेगरी में फॉल करते हैं ये कैटेगरी है जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें दो ही कैटेगरी की आइटम्स है जैसे मैंने एक को नाम दे दिया कॉफीज विद मिल्क जैसे ये तीन कॉफी है ये विद मिल्क होती है एस्प्रेसो ब्लैक है तो मैंने एक ब्लैक कॉफी दे दी तो इसमें दो कैटेगरी निकल के आ गई इसी तरह से कैपीचिनो में सॉरी कोल्ड कॉफ़ी में ये चारों कोल्ड कॉफी कॉफ़ी विद मिल्क कैटेगरी में आ गई शेक्स दो तरह के हो सकते हैं एक थिक और एक रेगुलर थिक बोले तो गाढ़े और रेगुलर बोले जिनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती इसी तरह से लार्ज साइज़ में भी यही होंगे इंडियन ब्रेड्स और ग्रेवी और नॉन ग्रेवी सब्जी और सब्जी और ग्रेवी में यही तो फ़र्क होगा एक ग्रेवी वाली आइटम होगी एक नॉन ग्रेवी की आइटम होगी आइसक्रीम्स की एक ही कैटेगरी है आइसक्रीम तो आइसक्रीम्स होती है और स्वीट uh, डिश के अंदर आप देख सकते हैं मैंने चार कैटेगरी डाली है जैसे इसमें जो स्वीट uh, डिश है इसमें बंगाली स्वीट्स काजू स्वीट्स लड्डू या खोया स्वीट्स हो सकती हैं तो ये एक कैटेगरी है ये जो आइटम है इनके एक डिपार्टमेंट है जैसे ये चारों के लिए मैंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसका नाम है हॉट कॉफीज़ तो हॉट कॉफीज़ के अंडर ये चार कीज आ गई कोल्ड कॉफीज़ के अंडर ये चार कोल्ड कॉफीज आ गई शेक्स के अंडर ये चार शेक्स आ गए इसी तरह से यहाँ तक तो आप देखेंगे ये इससे रिलेट करती हैं ये इससे रिलेट करते हैं अब डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक सुपर डिपार्टमेंट होता है जिसे हम मेन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं तो जैसे हॉट कॉफीज और कोल्ड कॉफीज के लिए अगर मैं आप बोलूं कि दोनों को डिफाइन करने के लिए एक नाम सोचिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप हॉट कॉफी और कोल्ड कॉफी के लिए कोई एक नाम सोचिए तो मेरे दिमाग में आया कॉफीज मैंने यहाँ पे कॉफीज एक सुपर डिपार्टमेंट डिसाइड किया और उसके अंडर मैंने कॉफीज़ हॉट और कोल्ड कॉफ़ीज़ दोनों को मैंने क्रिएट करके मैप कर दूंगा इसी तरह से शेक्स में, में मेरे पास मेरे माइंड में आता है कि शेक्स दो तरह के होंगे जैसे रेगुलर और लार्ज इस तरह से नॉर्थ इंडिया में, में मैंने ब्रेड्स और ग्रेवी सर्व सब्जीज़ मैंने कॉमन ले लिए इसके अंडर और भी हो सकते हैं स्नैक्स चाट और बहुत कुछ डेजर्ट में आइसक्रीम स्वीट्स और भी बहुत कुछ हो सकते हैं तो बस मैंने बताया जैसे कि मैं छोटा सा मेन्यू ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए ताकि वो ईजीली समझ में आ जाए जब आपके फंडामेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप इसको मेन्यू को एनलार्ज करके भी देखेंगे तो वो भी आपको ईजी लगेगा ये हो गए हमारे मेन डिपार्टमेंट तो आइए आप टॉप टू बॉटम देखते हैं देखिए सबसे पहले सुपर डिपार्टमेंट हम क्रिएट करते हैं जिसमें हमने ये चार तरह के सुपर डिपार्टमेंट यहाँ पर लिए हैं इन चारों सुपर डिपार्टमेंट के अंडर हमने दो दो डिपार्टमेंट रखे हैं और हर एक डिपार्टमेंट के अंडर हमने चार चार आइटम्स रख लिए हैं और हर एक आइटम की एक कैटेगरी है ये कैटेगरीज हैं तो हमें जो बनाना है सबसे पहले बनाना है सुपर डिपार्टमेंट उसके बाद हम बनाएंगे उनके अंडर डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स के अलावा हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे कैटेगरीज और मेज़रमेंट ऑफ यूनिट्स मेजरमेंट ऑफ़ यूनिट्स को यू ओ एम भी बोलते हैं यूनिट ऑफ मेज़रमेंट्स भी बोलते हैं ये क्या होती हैं जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉफ़ी की आप गिनती करेंगे तो कैसे करेंगे तो आप नंबर्स में करेंगे वन टू थ्री फोर तो नंबर्स एक कैटेगरी हो गई यही चीज अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ ग्रेवीज में तो इसकी काउंटिंग कैसे करोगे तो इसकी आप ऐसी तो करेंगे ना एक पोर्शन दो पोर्शन तीन पोर्शन या चार पोर्शन तो यहाँ पर एक पोर्शन एक और यूनिट ऑफ मेजरमेंट है अब शेक्स और शेक्स रेगुलर हो या लार्ज इसमें अपने आप में एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है ग्लास आप कस्टमर आपसे पूछेगा कि मुझे ये नहीं बोले एक दे दो तो या दो आप कस्टमर बोलते मुझे एक गिलास दीजिए या दो गिलास दीजिए तो गिलास जो आप नाप रहे हैं वो एक और यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो जाती है यही चीज़ जब आप स्वीट्स में ले जाएंगे तो ये के में आ जाएगी तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास चार से पाँच यूनिट ऑफ मेज़रमेंट आते हैं तो आइए यूनिट ऑफ़ मेज़रमेंट यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ अगर मैं आपसे पूछूँ कि यूनिट ऑफ मेज़रमेंट मुझे बताइए तो मुझे लगता है यूनिट ऑफ मेज़रमेंट मेरे पास जो निकल गया है के नंबर्स और पोर्शन केजीज़ नंबर्स पोर्शन और क्या निकल के आया है हमारे पास ग्रेविज़ एम एल ग्राम्स ग्राम्स आ सकता है और कोई चलिए इतना ही देखते हैं अब बारी आती है इनको कैसे क्रिएट किया जाए तो हमारे पास हमारा यू तो है ही है वो यू हमें यहाँ पे टाइप करना है यूज़र नेम टाइप करना है पासवर्ड हमें टाइप करना है और जैसे हम लॉग कर लेते हैं सक्सेसफुली तो हमें आइटम्स में जाना है आइटम्स में जाके सबसे पहले हमें क्रिएट करना है मेन आइटम सॉरी मेन डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें मेन डिपार्टमेंट हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कॉफी शेक्स नॉर्थ इंडियन डेजर्ट्स तो यहाँ हम बनाएंगे कॉफीज इमेज अगर कोई आप ऐड करना चाहते हैं इमेज लगा दीजिए अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको क्रिएट कर सकते हैं ऑल सॉर्ट ऑफ कॉफ़ीज सभी तरह की कॉफ़ी इसके अंदर इसको एक्टिव करेंगे और सेव तो जब कभी भी मान लीजिए आप कॉफीज डिसकन्टिन्यू कर रहे हैं या कॉफ़ीज़ को आप हटाना चाहते हैं तो उसको डिलीट नहीं करेंगे इनएक्टिव कर देंगे तो वो इनएक्टिव रहेंगी आपके रिकॉर्ड में लेकिन उसका डाटा रहेगा आइए दूसरा सुपर डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं शेक्स यहाँ पर हमने किया शेक्स ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी इसको क्रिएट करने में ये देखिए मैंने दूसरा एक क्रिएट किया अब तीसरा मैंने ले लिया नॉर्थ इंडियन और नॉर्थ इंडियन फूड्स सेव कर दिया इसको भी मैंने आइए एक और ले, ले लेते हैं हमारा चौथा डिपार्टमेंट जो हमारी शीट में है वो डेजर्ट्स है बिल्कुल तो डेजर्ट डेजर्ट्स में गए और काइंड ऑफ डेजर्ट ये जो मैं रिमार्क्स में लिख रहा हूँ ये सिर्फ मेरी जानकारी के लिए है आप चाहे तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं एक और बना लेते हैं साउथ इंडियन भी तो एक फूड है ना फूड गुज़ीन है साउथ इंडियन डाल देते हैं ले मैं इसको ब्लैंक छोड़ के आपको सेव करके दिखा दूँ सेव हो गया चाइनीज़ भी आजकल सब लोग पसंद करते हैं तो चाइनीज भी हम लोग एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं देखिए अब जितने भी आपने डिपार्टमेंट क्रिएट करे वो देखिए सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अगर बाई चांस कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग होगी तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये पेज साइज़ अगर यहाँ पे टू या थ्री है और यहाँ पर वन है तो इसको आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं बट फिलहाल मेरे इस केस के अंदर सब कुछ एक ही पेज पे आ गया है अब आप बोलेंगे ये वन टू थ्री फोर सीरियल में क्यों नहीं है क्योंकि इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर डिज़ाइन किया है ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए हैं देखिए सी पहले आता है फिर डी आता है फिर उसके बाद एन फिर एस और एस इसलिए और ये इनकी आईडीज़ हैं जब भी

आप ये डिपार्टमेंट क्रिएट करने वाले तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉफीज़ कॉफीज़ के अंदर हमने सबसे पहले क्या बनाना है हॉट कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ीज़ तो यहाँ पर मैंने हॉट कॉफीज़ किया और आ, कोई इमेज डालनी है तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ अदरवाइज प्रिंटर में डिफ़ॉल्ट लेता हूँ प्रिंटर की सेटिंग्स के बारे में आप मेरे प्रिंटर वाला वीडियो है जो जिसमें मैं मास्टर में जाकर के आपको ये प्रिंटर के बारे में बताता हूँ आप उस वीडियो को रेफर कीजिए आपको समझ में आएगा कि यहां पर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है तो यहां पे मैंने फिलहाल डिफॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट किया है कोई रिमार्क्स अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो आई कैन पुट अ रिमार्क्स एक्टिव इनएक्टिव का सेम रोल है कि आप इसको एक्टिव रखेंगे तो यह दिखता रहेगा इनएक्टिव कर देंगे तो यह दिखाई नहीं देगा डिस्काउंट इज डिस्काउंट और नो ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अगर आप मान लीजिए आपके पास कुछ आइटम ऐसी हैं जिस पर आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं जैसे मर्चेंडाइज आइटम्स होती हैं कोई गिफ्ट या कोई गेम्स या कोई शेल्फ पे प्रोडक्ट है या लैक्च कोक या जिन पे मार्जिन कम है उस पर ऑनर्स चाहते हैं कि हमें डिस्काउंट नहीं देना है तो आप यहीं से अगर नो कर देंगे उस कैटेगरी के जितने भी आइटम होंगे उस डिपार्टमेंट के अंदर उसमें किसी पर भी डिस्काउंट अप्प्लीकेबल नहीं होगा आइए नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं कॉफ़ीज़ के अंडर हम करेंगे कोल्ड कॉफ़ीज़ कोल्ड कॉफीज और यहाँ से सेव कर देंगे ये सेव हो गया थर्ड हम करते हैं लच्छे शेक्स तो शेक्स में हमने डिपार्टमेंट कौन कौन से बनाए थे शेक्स में देखिएगा शेक्स रेगुलर शेक्स लार्ज तो शेक्स रेगुलर हम पहले बनाएंगे रेगुलर और इसमें हम अगेन डिफॉल्ट प्रिंटर में सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सेव कर दिया ये सेव हो गया देखिए कितना आसान है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इस डिपार्टमेंट और मेन डिपार्टमेंट को बनाना और इसमें शेक्स लार्ज इसे कोई भी एक टीम मेंबर या एक समझदार बंदा आराम से यूज कर सकता है इसमें कोई कॉम्प्लिसिटी नहीं है इसी तरह से नॉर्थ इंडियन के अंदर हमने ब्रेड करके एक डिपार्टमेंट बनाया था और सेकेंड डिपार्टमेंट हमने इसी नॉर्थ इंडियन के अंदर बनाया था हमने ग्रेवीज और ग्रेवी एंड सब्जी तो ग्रेवी एंड सब्जी हमने यहाँ पर लिया इसको भी डिफॉल्ट प्रिंटर पे सेट करके सेव कर दिया ये सेव हो जाएगा देखिए यही प्रोसेस फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बना लिए हैं मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास काफ़ी कॉल आती हैं कि मैंने डिपार्टमेंट बनाए थे लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहे तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि आपके पास तीन पेज क्रिएट हैं जिसमें से एक पहला पेज आपको ये दिख रहा है तो उस उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए आप यहाँ से पेज साइज़ बढ़ा लेंगे तो देखिए जो छुपे हुए थे दूसरे पेज पर पे, वो सब आपको डिपार्टमेंट्स यहाँ पर दिखने लग गए तो ये हमने दस डिपार्टमेंट बना लिए जैसे कि मैंने एक्सल शीट में यहाँ पर सिर्फ चार सुपर डिपार्टमेंट के साथ ये आठ डिपार्टमेंट बनाए हैं मैंने एक एक्स्ट्रा आपको बना के दिखा दिया है जो कि ये साउथ इंडियन में मैंने साउथ इंडियन एवरेज और साउथ इंडियन फूड तो ये इस तरह से बनता है डिपार्टमेंट अब तीसरी चीज़ है जो हम बनाने जा रहे हैं वो है कैटेगरी सो कैटेगरी के लिए अगेन हमें आइटम पर जाना है और आइटम से यहाँ पर जाने के बाद हमें कैटेगरी पे क्लिक करना है तो so कैटेगरी कुछ भी हो सकती है जैसे हमने बताया था यहीं से पिक करते हैं कॉफ़ी विद मिल्क एंड ब्लैक कॉफीज सो कॉफी डि एक कैटेगरी एक हो गया रिकॉर्ड सक्सेसफुली और ब्लैक कॉफ़ीज़ ये ब्लैक कॉफीज़ यहाँ पर हो गया ओके okay, सो so अगला हम देखते हैं थिक शेक्स और रेगुलर शेक तो हम इसको थिक शेक्स दे सकते हैं नाम सेव कर दिया और एक कैटेगरी बना देंगे हम लोग यहाँ पर रेगुलर शेक्स वैसे तो मुझे थिन शेक लिखना चाहिए लेकिन थिन शेक बहुत अच्छा वर्ड नहीं अपने अपनी नेगेटिविटी दिखाता है इसलिए मैंने उसको रेगुलर शेक्स के नाम से लिख दिया और इंडियन ब्रेड्स यहाँ पर इंडियन इंडियन ब्रेड्स हम लोग जितना भी रोटी चपाती नान है उसको इंडियन ब्रेड्स में इंक्लूड करते हैं ये इंडियन ब्रेड्स है यहाँ से हमें ग्रेवी नॉन ग्रेवी आइटम्स तो ये लिखेंगे ग्रेवी आइटम्स सेफ करा नॉन ग्रेवी नॉन ग्रेवी इसको ब्रैकेट में ड्राई कर देते हैं तो ड्राई सब्जियां जो होती हैं वो हम इसमें लिंक करेंगे देखिए कितना इजी है बनाना आइसक्रीम, आइसक्रीम्स सेव कर दिया और स्वीट्स में मैं बंगाली स्वीट्स और खोया स्वीट्स ही रख लेता हूँ तो ये हमारी कैटेगरीज भी आप देखेंगे नीचे ये कैटेगरीज आ गई और यहाँ पर अगेन देखिए ये फिर बोल रहा है कि यहाँ पे दो पेज हैं हम इसको बड़े पेज पे नंबर लेकर के यहाँ से देख लेंगे ये सब के सब हमारे कैटेगरीज बन गई है तो अभी हम वापस चलते हैं एक्सेल पे तो हमने सुपर डिपार्टमेंट क्रिएट किए हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए डिपार्टमेंट्स के बाद अब हमने ये कैटेगरीज क्रिएट कर दी हैं अब कैटेगरीज के बाद हमें क्रिएट करने हैं यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये तो वापस से ई पे चलेंगे आइटम्स में जा कर के हम यहाँ से यूनिट ऑफ़ मेजरमेंट मेज़रमेंट यूनिट ये रहा ये ऑप्शन कैटेगरी के जस्ट नीचे इस इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर यूनिट ऑफ मेज़रमेंट तो देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नंबर्स है ग्राम्स है एम है पीसीज है के नहीं है यहाँ पर मैं क्या करूँगा के जीज करके इसको मैं सेव कर दिया ये देखेंगे आप के जी आ गए यहाँ पर एम ये और इसको आप लिख दीजिए तो ग्लास तो यहाँ पर गिलास एक आ जाता है आइटम पीसेस भी है ये भी है प्लेट कुछ लोग देते हैं रसगुल्ला एक प्लेट समोसा एक प्लेट इस तरह से हो गया और के में पोर्शन ग्राम पोर्शन ग्राम के नंबर्स ओके तो दाल मखनी को हम क्या करेंगे दाल मखनी को बन पोर्शन तो पोर्शन एक क्रिएट करते हैं पोर्शन के नाम से ये पोर्शन हो गया ये देखिए ये सब अभी एक ही पेज पे आ गए यहाँ पर तो हमें इस ऑप्शन को यूज करने की जरूरत नहीं है ये इस तरह से हमारी कैटेगरीज के बाद हमारी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्रिएट हो गई हैं तो अब हम शुरू कर सकते हैं आइटम एंट्री तो अब जब हम आइटम एंट्री शुरू करेंगे अब आपको समझ में आएगा ये जो चार पांच चीजें अभी हमने पहले करी हैं ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट थी और किस लिए की है हमने देखिए ग्रुप नेम आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से नॉर्थ क्योंकि नॉर्थ के लिए मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ और नॉर्थ में मेरे पास यहाँ पे दो आउटलेट दिखा रहा है तो मैं कौन से आउटलेट के लिए क्रिएट कर रहा हूँ मैं इस आउटलेट के लिए अगर मुझे सब आउटलेट के लिए क्रिएट करना है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सारे आउटलेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे जितने भी इस विंडो में दिखाई दे रहे होंगे आइटम टाइप जो हम बेचते हैं आइटम वो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि वो फिनिश प्रोडक्ट होता है तो मैं यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आइटम कोड आ गया वन आइटम का नाम मैं लिख देता हूँ कैपेचिनो एक्सेल में अगर मैं जा करके देखूंगा तो मेरी पहली आइटम कैपेचिनो मैंने रखी है तो कैपेचिनो डिपार्टमेंट उसका मैंने बताया था आपको हॉट कॉफीज यूनिट्स आप इसको कैसे मेजर करेंगे नंबर्स में मेजर करेंगे कैटेगरी ये कॉफ़ी है तो कॉफ़ी विद मिल्क की कैटेगरी में आता है काउंटर में इसको वन कर देंगे वन मतलब ये उस काउंटर पर जाएगा जहाँ पे प्रिंट होना है मतलब प्रिंट होने की कमान में जाएगा कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि पंच तो हो हो लेकिन वो प्रिंट दो काउंटर टू का मतलब फॉर मतलब तो एग्जाम्पल तो जैसे आप अपना कैरी बैग की इन्वेंट्री रखते हैं तो कल को कैरी बैग आप प्रिंटर टू पे डाल देंगे आप चाहते नहीं ना कि बिल के ऊपर कि कैरी बैग अगर आप फ्री दे रहे हैं लेकिन आपकी इन्वेंट्री उसकी काउंट होती रहे बैकेंड में तो इसलिए उस आइटम को आप क्रिएट करके यहाँ से काउंटर टू में डाल देंगे तो उसका बिल पे प्रिंट नहीं आएगा लेकिन उसकी इन्वेंट्री बैकंड में चलती रहेगी अब क्योंकि ये कैपिचिनो एक फिनिश प्रोडक्ट है अब बिकेगा तो इसको मैंने काउंटर वन पे डाल दिया है एच एस एम कोड बाई डिफॉल्ट यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ही आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव रखते हैं इंक्लूसिव के बारे में मैं आप मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सपोर्ट टीम पे फ़ोन करके पूछ लें लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ इंक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पर प्राइस मैंने सौ रुपये डाल दिए यहाँ पर हंड्रेड रुपीज़ डाल दिया अगर और इंक्लूसिव पे क्लिक किया तो ये सौ रुपये ही बिल पे मैक्सिमम प्रिंट होके आएगा सिस्टम हमारा इस तरह से डिजाइंड है कि वो बैक कैलकुलेशन खुद करके इसका नेट अमाउंट निकाल लेगा लेकिन हम रेस्टोरेंट में अब आफ्टर जीएसटी क्या किया है? हमने सब कुछ एक्सक्लूसिव रखा है तो एक्सक्लूसिव में लेट हमने नाइनटी अगर कर दिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे अच्छा फीचर क्या है आपको एक ही रेट को पाँच बार नहीं डालना ऑटोमेटिक सिस्टम ने उठा लिया तो ये अब नाइन्टी प्लस टैक्स हो जाएगा लेकिन आप चाहते हैं कि आपके होम डिलीवरी के रेट्स कुछ और हो तो आप यहाँ पे मैनुअली उसको चेंज करेंगे तो ये मैनुअली चेंज होगा देखिए बाकी कोई भी रेट यहाँ से चेंज नहीं हुआ ऑटोमेटिक जैसे यहाँ पे चेंज कर देंगे अगर मैंने यहाँ हंड्रेड डाल दिया ये रेट में तो सारे हंड्रेड हो गए यहाँ पे मैंने नाइन्टी डाल दिया है तो ये देखिए सब नाइनटी हो गए लेकिन बाकी सब इंडिविजुअल आप चेंज कर सकते हैं वेबसाइट का को कोई अलग रेट है या होम डिलीवरी के ऊपर आप अलग रेट देना चाहते हैं फ्रेंचाइजी को अलग रेट से बेचना चाहते हैं आप कि वो अलग रेट से सेल करें या डाइन इन के अंदर आप इसको महंगा या सस्ता करना चाहते हैं बिकॉज आपके रेस्टोरेंट में ए सी लगा है वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं ईजिली इसी तरह से टैक्स भी टैक्स भी कैटेगरी होती है कि आप टेक अवे में कुछ और टैक्स देते हैं और डाइन इन में वो सीधे अट्ठारह परसेंट हो जाता है इसी तरह से टेक अवे में कोई आइटम ये आइटम अगर बारह परसेंट किया तो मैं जी एस टी डी एल सिक्स सेलेक्ट करूँगा क्योंकि सिक्स परसेंट इज सी जी एस टी सिक्स परसेंट इज एस जी एस टी तो सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व होम डिलीवरी में भी बाई ये सिक्स रहेगा अगर यहाँ पर सिक्स है तो डाइन इन के अंदर ये एटीन हो जाएगा ये आपके सी ए आपको बताएंगे मैं आपको ये डेमो में सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये टैक्स किस पे कितना किस कैटेगरी में कितना परसेंट लगेगा ये सब आपके सी ए या अकाउंट्स टीम आपको बताएगी तो यहाँ पर मैंने अट्ठारह परसेंट के लिए इसको डाइन इन में नाइन प्लस नाइन कर लिया है शेल्फ लाइफ शेल्फ लाइफ बेसिकली फिनिश प्रोडक्ट के केस में नहीं होती है अप्लीकेबल क्योंकि ये एक कॉमन फॉर्म हम यूज कर रहे हैं हर तरह के आइटम को ये देखिए सभी तरह के आइटम को क्रिएट करने के लिए ये सेम फॉर्म हम यूज कर रहे हैं इस वजह से ये यह ऑप्शन यहाँ पर है तो इसको आपको बाई डिफ़ॉल्ट वन कर देना बट यही जब आप प्रोडक्शन के लिए सेमी फिनिश्ड या रॉ मटेरियल आप यूज़ करेंगे तो आपको इसकी शेल्फ लाइफ डिफाइन करनी होगी कि उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है तो ये शेल्फ लाइफ वन एक्सेप्टेबल शेल्फ लाइफ भी हम बाय डिफ़ॉल्ट वन कर देंगे ये जी कोड और बार कोड ऑटोमेटिकली इसके साथ लिंक है अपने आप आ जाएगा सर चार्ज कुछ भी नहीं है कुकिंग टाइम आप ना ही छेड़ें तो अच्छी बात है अभी क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट है रेस्टोरेंट के एच कोड ये भी आपको आपके अकाउंट वाले देंगे टेस्ट कोड वन मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के लिए ये एच कोड डाल दिया है यहाँ पर आई जी एस टी आई जी एस टी होती है अगर आपकी बिलिंग आउट ऑफ स्टेट हो रही है फॉर एग्जाम्पल आपका आउटलेट जो है वो दिल्ली या गुड़गांव के बॉर्डर पर है एग्जाम्पल और आप दिल्ली और गुड़गांव दोनों में डिलीवरी करते हैं तो जब आप अगर आप दिल्ली में लोकेटेड हैं और आप गुड़गांव में जा रहे हैं तो आपकी जो बिलिंग होगी हरियाणा स्टेट का जैसी आप आउटलेट बिलिंग करते हुए एड्रेस सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बिलिंग जो है आई में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने बारह परसेंट ले लिया स्टेटस यस डिस्काउंट क्या इस पर डिस्काउंट जा सकता है इस आइटम पर यस yes, जा सकता है प्रोडक्शन का इसको नन रखेंगे फिनिश प्रोडक्ट के केस में फूड ऑर्डर टाइप में भी फिनिश प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें नन रहेंगी इन्वेंटरी टाइप नन होना चाहिए या डेली पे आप क्लिक कर दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैटेगरी टाइप वेज है या नॉन वेज यह वेज है तो यहाँ वेज अगर यहाँ पर चिकन होता तो मैं यहाँ पर नॉन वेज सेलेक्ट करता अब आता है ऑर्डर टाइप ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कई बार हमें कॉल आती है कि सर मैंने होम डिलीवरी में ऑर्डर पंच करा और मुझे जो है कैपेचिनो दिखाई नहीं दे रही अब कैपेचिनो कैसे दिखाई देगी कैपेचिनो एक हॉट प्रोडक्ट है जो आप हॉट डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो मैंने इस आइटम को सिर्फ और सिर्फ जो है टेक अवे और डाइनिंग में क्रिएट किया है होम डिलीवरी में मैंने इसको टिक नहीं लगाया तो ये होम डिलीवरी में ये आइटम दिखाई नहीं देगी गलती से भी पंचना हो जाए इसलिए ये ऑप्शन हमने क्रिएट किया है और अगर मैं यहाँ पर होम डिलीवरी पर क्लिक कर देता हूँ तो ये आइटम आपको तीनों कैटेगरी के बिलिंग में दिखाई देगी अगर इस आइटम की कोई इमेज में डालना चाहता हूँ आइटम की इमेज जो आपके पॉज स्क्रीन पर दिखाई दे तो यहाँ से मैं 120 पिक्सल या 130 थर्टी पिक्सल बाय वन पिक्सल का पी फॉर्मेट में यहाँ से अटैच करके इसको अपलोड कर सकता हूँ और आइए इसको आप करते हैं सेव जब इसको सेव किया तो देखिए आइटम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली शेव। तो ये आइटम आपके नीचे सेव हो गई है अभी एक आइटम और करके देख लेते हैं थोड़ा जल्दी क्लिक किया यहाँ से हमने फिनिश प्रोडक्ट बिल्कुल सही देखिए आइटम कोड ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पर यह देखिए टू आ गया पहले वन था फिर टू यहाँ पे मैंने ले लेता हूँ रेगुलर कोल्ड कॉफ़ी रेगुलर कोल्ड कॉफ़ी और डिपार्टमेंट में मैंने कोल्ड कॉफीज ले लिया यूनिट ऑफ मेजरमेंट में नंबर्स कैटेगरी में मैंने कॉफी विद मिल्क कोल्ड कॉफी मिल्क के साथ है काउंटर में इसका वन एच कैटेगरी में रेस्टोरेंट एक्सक्लूसिव प्राइस इसको भी मैं डेमो के लिए नाइन्टी ले लेता हूँ होम डिलीवरी टैक्स इसमें सिक्स टेक अवे टैक्स सिक्स प्लस सिक्स ये नाइन प्लस नाइन शेल्फ लाइफ वन ये भी वन देखिए कितना जल्दी आप इसको क्रिएट uh, कर सकते हैं यहाँ पे आपने टेस्ट कोड कॉफीज के लिए मैंने सेम टेस्ट कोड वन और आईजीएसटी में मैंने यहाँ पर सिक्स यस 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 डेली वेज ऑर्डर टाइप अच्छा कोल्ड कॉफी है होम डिलीवरी में भी जा सकती है कोई डर नहीं है तो लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल लिए इस पर होम डिलीवरी पर क्लिक करके सेव कर देता हूँ अभी जब मैं आपको पॉज की स्क्रीन दिखाऊंगा तो आप समझ में आएगा आपको कि मैंने क्या किया था ये ये जो ऑर्डर टाइप का है जो रोल है इसका वो कितना महत्वपूर्ण है तो इस तरह से आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं तो देखिए हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कितना इजी है एक आइटम को बनाना मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ देखिए नॉर्थ यहाँ आउटलेट पे एक आउटलेट का देख रहा हूँ मैं दो आउटलेट नहीं करना चाहता हूँ तो एक का सेलेक्ट किया दोनों का देखना है तो दोनों का एक साथ क्योंकि तो हमने फिनिश प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है तो फिनिश प्रोडक्ट दिखाएगा डिपार्टमेंट में मैंने कोल्ड कॉफी डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं तो ये तीन मैंडेटरी नहीं है ये तीन मैंडेटरी है देखिए इनके आगे स्टार्स भी लगे हुए हैं अब मैं सर्च कर दूंगा तो मुझे जो मैंने दो आइटम बनाए हैं वो दोनों आइटम देखिए मुझे यहाँ पे नीचे दिखाने लग गया अब इसी को अगर यही इन्फॉर्मेशन अगर सौ आइटम की मैं बना दूंगा सौ आइटम दिखाएगा यहाँ से मुझे बस सौ सेलेक्ट कर लेना है तो पूरा एक ही पेज पे आ जाएगा और यहाँ से मैं इस वाले बटन से एक्सेल या वर्ड में इसको एज इट इस इज़ मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ सॉरी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने सुपर डिपार्टमेंट बनाया मेन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं उसको डिपार्टमेंट बनाया फिर हमने कैटेगरीज बनाई फिर हमने मेजरमेंट यूनिट्स बनाई फिर हमने आइटम नेम्स बनाए हैं और आपको ये सर्च करके दिखा दिया है आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी अब तक अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर से जीरो डबल वन फोर वन फोर टू डबल एट टू जीरो फोर सेवन फाइव टू डबल एट डबल टू आप अपने कंसर्न्स हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ई मेल है सपोर्ट एट रोमायो बिलिंग डॉट कॉम एस यू डबल पी ओ आर टी एट दी रेट रोमयो आर ओ एम आई ओ बी आई डबल एल आई एन जी डॉट कॉम Thank you and have a nice day.